कृष्ण जी की पटरानी के नाम से जाने जाने वाली यमुना जी आज भगवान के द्वारा बनाए गए संसार में खून के आंसू रो रही है। कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले शहर मथुरा में यमुना जी की वो दुर्दशा है कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं, मगर इनके ये आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। संसार के कष्ट हरने वाली यमुना मैया आज खुद कष्ट में है। यमुना मैया के कष्ट जब प्रदीप बंसल और अनिल शर्मा ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और संकल्प लिया कि यमुना मैया के कष्टों को दूर करके रहेंगे। पल्स 24 न्यूज से बात करते हुए अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि यमुना मैया की जो दुर्दशा है उसे लेकर हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और सन 2015 में हमने इस प्रयास को यमुना मिशन का नाम दिया था। यमुना जी की सेवा के लिए तो हम सालों से लग रहे थे, लगभग 40 साल से हमारी यमुना जी श्री जी प्रदूषित होती जा रही थी और हम लोग जब से ही मनाते थे, लेकिन लगभग 15 साल से हम लोग यमुना जी की सेवा से जुड़े, जो लोग यमुना जी के लिए कार्यक्रम करते थे उनको सहयोग देते थे और जो भी वो हमसे आकांक्षा उम्मीद रखते थे वो सब उनके जो कार्यक्रम हमें सौंपे जाते थे उनके लिए पूर्ण कराते थे। लेकिन जब धीरे धीरे यमुना महारानी की कृपा हुई, अदृश्य शक्ति ने जो हमारी 15 थी सन 15, तो वो अदृश्य शक्ति ने सन 15 से हमें मिशन की शुरुआत हो गई और धीरे 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 आज लगभग 7 किलोमीटर में इधर वृंदावन की तरफ हमने सारे नाले रोक लिए हैं, जिसमें 7 तो बड़े बड़े प्रमुख नाले हैं और छोटी छोटी जो नालियां हैं वो भी हमने रोक ली हैं। और उधर ध्रुव घाट से लेके जो तीनों हमारे पुल हैं उससे और आगे तक वहां के भी हमने करीब 2 किलोमीटर में नाले नालियों को रोक लिया है, हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। अब बरसात का सीजन समाप्त हो गया है और जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसको अब साकार करेंगे और यमुना जी में हम एक भी बूंद नाले की नहीं करने देंगे। अगर यमुना महारानी जिस तरह हमारे संग लग रही है, अदृश्य शक्ति जिस तरह हमारे साथ चल रही है, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने जब वृंदावन की तरफ चले उन्होंने सहयोग दिया, जो यहाँ वासी जो हमें सहयोग दे रहे हैं, सभी जो पेड़ों की सुरक्षा हो रही है, कभी हमें रात को 2 बजे और 2:30 बजे 3 बजे भी हम यहाँ आते हैं आवश्यकता होने पर देखने के लिए, तो हमें डर नहीं लगता, ऐसा लगता है ये वृक्ष हमारे रक्षक हैं और अगर दुष्ट कोई आदमी मिलेगा तो ये वृक्ष उसके ऊपर गिर पड़ेंगे और ये वृक्ष ही हमारी हिफाजत करेंगे। हमने जो कचरा यहाँ देखा था उसका हमने इस्तेमाल किया, उनके ऊपर हमने सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए, परिणाम स्वरूप उसी कचरे पर आज हजारों पेड़ लहरा रहे हैं। अनिल शर्मा ने बताया कि हमने करीब आधा दर्जन नालों को यमुना जी में गिरने से रोकने का प्रैक्टिकल कर लिया है और अब उसी पे कार्य चल रहा है। अगर आगे यमुना मैया की कृपा रही तो दिल्ली तक के नालों को रोकने का काम हमारे मिशन द्वारा किया जाएगा।